हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हेयर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेट 2021 के बारे में। तो देखिए, अभी अभी जो है गेट वालों ने अपना इन्फॉर्मेशन ब्रोचर जो है वो रिलीज़ किया है एंड उसके अंदर उन्होंने कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड की है। कई सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो सिलेबस पैटर्न को लेके हो या फिर वो एग्ज़ाम पैटर्न को लेके हो या फिर हमारे पास जो डेट्स जिस डेट्स को वो कंडक्ट होता है उस चीज़ को लेके हो एंड कौन कौन अप्लाई कर सकता है गेट 2021 को लेके। तो बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलने वाले हैं एंड मेरे साथ जो है मेरे चैनल के ऊपर बीएससी के स्टूडेंट्स भी हैं, एमएससी के स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं एंड कब कब इसकी जो रिलीज डेट है, फॉर्म कब निकलने वाले हैं, एग्जाम कब कंडक्ट होगा उनके बारे में। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सबसे पहली बात जो है कि कौन सा इंस्टीट्यूट हमारे पास गेट 2021 को कंडक्ट करवाएगा। तो जो हमारा आईआईटी बॉम्बे है, तो अब की बार गेट 2021 को आईआईटी बॉम्बे जो है वो कंडक्ट करवाएगा। अगर मैं बात करूं फॉर्म रिलीज डेट की कि कब इसके फॉर्म जो है वो रिलीज होंगे, तो हमारे पास सितंबर के अंदर इसके फॉर्म जो है वो रिलीज होने वाले हैं एंड 14 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आप गेट 2021 के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। अगर मैं बात करूं एडमिट कार्ड रिलीज डेट की तो हमारे पास जो है जनवरी के अंदर, डेट इज 8 जैन को हमारे पास इसका एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज हो जाएगा। एंड अगर मैं डेट्स की बात करूं कि किस किस डेट्स को हमारे पास गेट जो है अपना एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, तो देखिए 2020 तक जो है गेट अपने 4 दिन जो है 4 डेट्स दिया करता अपने एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, लेकिन अब की बार गेट ने 6 डेट्स दिए हैं। कि इन 6 डेट्स को जो है वो अपना एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाएगा। वो जो डेट्स हैं वो है 5, 6, 7, 12, हमारे पास 13 एंड 14। हमारे पास इन 6 डेट्स को गेट जो है अपना एग्जाम की बार कंडक्ट करवाएगा। और गेट का एग्जाम जो है वो कब होता है, फेब में। तो ये सारी की सारी डेट्स किसके लिए हैं, फेब के लिए ही है। अगर मैं बात करूं किस डेट को रिजल्ट अनाउंस होगा, अगर मैं रिजल्ट अनाउंस की बात करूं तो रिजल्ट अब की बार 22 मार्च को, रिजल्ट जो है वो 22 मार्च को गेट अपना रिलीज करेगा। अब बात करते हैं टाइमिंग की। ये सारी की सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो जनरल है, जिनमें अभी तक हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला है, एक्सेप्ट डेट्स। और ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक जो है वो कंफर्म है। अगर कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है वो यूं ही चलता रहता तो मे बी इन डेट्स में कुछ चेंजेस देखने को मिल जाए, बट अभी तक ये डेट्स जो है वो कंफर्म है कि इन्हीं डेट्स को हमारे पास देखने को मिलेगा। अगर मैं नेक्स्ट डेट चीज की बात करूं, डेट टाइमिंग कि क्या क्या टाइमिंग है, तो गेट का एग्जाम जो है वो 2 शिफ्ट में होता है, एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक इवनिंग शिफ्ट। तो मॉर्निंग जो शिफ्ट है उसका टाइमिंग रहेगा 9 to 12 AM एंड अब की बार जो इवनिंग शिफ्ट का टाइम है वो चेंज कर दिया गया है एंड जो इवनिंग शिफ्ट का टाइम है वो अब की बार हमारे पास क्या होगा, 3 to 6 PM। अब की बार हमारा इवनिंग शिफ्ट का टाइम क्या है, 3 to 6 PM। तो ये हमारे पास थी बेसिक डिटेल्स गेट 2021 के बारे में। अब हम बात करते हैं जो चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, क्या क्या चेंजेस हमें गेट 2021 में देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, बहुत सारे चेंजेस जो हैं गेट ने अब की बार किए हैं उनके सिलेबस को लेके, सिलेबस में उन्होंने ऐड किया है, उनके एग्जाम पैटर्न को लेके, क्वेश्चंस को लेके, और कौन कौन अप्लाई कर सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम सिलेबस को लेके, तो गेट ने अपना सिलेबस जो है रिवाइज किया है एंड कुछ चेंजेस जो है किए हैं, कुछ टॉपिक्स को ऐड कर दिया है, कुछ नए टॉपिक्स को जो है वो ऐड कर दिया है एंड कुछ पुराने टॉपिक्स को जो है रिमूव कर दिया है। तो अपना जो है प्रिपरेशन करने से पहले, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम की, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आप उसका पहले सिलेबस चेक कर लीजिए कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है क्या वो सिलेबस में है भी या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं नेट के लिए जो है केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहा हूं, लेकिन नेट के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत रेयर कोई क्वेश्चन आता है, और इवन हर साल तो आता भी नहीं है, 2-3 साल में एक बार कोई क्वेश्चन आ गया तो आ गया। वहीं केमिकल इक्विलिब्रियम जो है मेरे गेट के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल उसे क्वेश्चन बन के आता है। तो ये चीज जरूर नोटिस कीजिएगा कि आपके जो आपका जो कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम है उसके लिए मेरा ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है एंड क्या वो टॉपिक
इंक्लूड है भी या नहीं है, कहीं आप कोई ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हो जो हमारे एग्जाम के अंदर है ही नहीं, उस कॉम्पिटिशन लेवल एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता, तो फायदा क्या है। तो कुछ नए टॉपिक्स को जो है ऐड कर दिया गया है एंड कुछ पुराने टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है। अब मैं अगर बात करता हूं एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न में अब की बार चेंज कर दिया गया है। हमें पता है कि गेट के अंदर 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो तो मेरे पास होते हैं जीके के, दैट इज जनरल नॉलेज के, ठीक है, और वहीं मेरे पास 55 क्वेश्चन जो हैं वो मेरे सिलेबस के होते हैं, वो मेरे सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं कि मैं किस सब्जेक्ट में एमएससी कर रहा हूं या फिर मुझे किस सब्जेक्ट से मैंने गेट को भरा है। तो इन 65 क्वेश्चन में, टोटल 65 क्वेश्चन में अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन आया करते, एक तो हमारे पास आया करते एमसीक्यू, दूसरे हमारे पास आया करते एनएटी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। तो अभी तक 2020 तक हमारे पास ये दो टाइप के क्वेश्चन आया करते गेट के अंदर, लेकिन अब की बार थर्ड टाइप के क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिए हैं, दैट इज एमएसक्यू। अब की बार एमएसक्यू भी ऐड कर दिए गए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 65 ही हैं, लेकिन अब की बार एग्जाम पैटर्न के अंदर जो है एमएसक्यू भी ऐड कर दिए गए हैं। एमएसक्यू का क्या मतलब है? एमएसक्यू का मतलब है कि मोर देन वन आंसर इज राइट, यानी कि अब आपको अगर एमएसक्यू को अटेम्प्ट करना है तो आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपको चीजों को पता होना चाहिए, क्योंकि एमएसक्यू ठीक करने का मतलब है कि आपको अच्छे से चीजों को पढ़ना पड़ेगा। अब आप किसी भी चीज को हवा में लेके जाके नहीं कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू में दिक्कत नहीं होती इतनी, एनएटी में दिक्कत नहीं होती, जब आपको पता है ना कि मेरे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, क्या पता एक भी हो, क्या पता चारों भी हो, तब वहां पर आपको दिक्कत आती है, वहां पे आपको तुक्के से काम नहीं चलता, वहां पे आपको फोर श्योर होना ही पड़ता है कि हाँ यहां पे मेरे पास इतने आंसर सही हैं। तो एग्जाम पैटर्न के अंदर गेट के हमें ये देखने को चेंज मिला है। तो दो चीज हो गई हमारे पास, सिलेबस हो गया, सिलेबस चेंज किया अब की बार, एग्जाम पैटर्न, और अब की बार मैं बात करूं कि किस तरीके से कंडक्ट होगा ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड में, तो अब की बार भी ऑनलाइन मोड ही है। गेट जो है पिछले 2 साल से अपना ऑनलाइन टेस्ट करवा रहा है कंप्यूटर बेस्ड, तो अब की बार जो गेट का एग्जाम है वो भी कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, ऑफलाइन मोड में नहीं होगा, ऑनलाइन मोड में हमें देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारे पास कुछ चेंजेस। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिसके लिए सब इंतजार कर रहे थे और जो गेट की अब की बार सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, दैट इज कौन कौन अप्लाई कर सकता है गेट एग्जाम के लिए, कौन कौन गेट 2001 के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अभी तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2020 तक एमएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, वो अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि गेट जो आपने एग्जाम दिया है उसकी जो उसका जो रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल तक ही वैलिड हुआ करता, 2 ईयर तक ही वैलिड हुआ करता, 2 साल के बाद आपको गेट दोबारा देना पड़ेगा अगर आपको गेट के थ्रू पीएचडी में या फिर किसी भी एक अच्छी कंपनी में लाइक ONGC वगैरह हो गया वहां पे एडमिशन लेना है, तो सॉरी ONGC में अगर आपको जॉब लेनी है तो, एंड पीएचडी में अगर एडमिशन लेना है तो 2 साल की वैलिडिटी हुआ करती गेट के उसकी रिजल्ट की। लेकिन अब की बार क्या किया गया है चेंजेस करके, बीएससी फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं गेट के लिए, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि गेट की जो डिग्री है या फिर गेट का जो रिजल्ट है वो तो 2 साल के लिए वैलिड है, मान लो बीएससी का जो स्टूडेंट है वो उसको तीन साल लग जाएंगे एमएससी कंप्लीट करने तक, तो क्या वो अब एमएससी कंप्लीट होने के बाद इस गेट के स्कोर के बेस के ऊपर जो उसने बीएससी फाइनल में गेट को क्लियर किया है, गेट में एक अच्छी रैंक पाई है, तो क्या वो बीएससी फाइनल के गेट के स्कोर के बेस के ऊपर एमएससी के बाद पीएचडी में या फिर किसी एक अच्छी कंपनी में जैसे DRDO वगैरह हो गई वहां पर एडमिशन ले सकता है? तो आंसर है यस, क्यों? क्योंकि अब की बार जहां पर पहले गेट का जो स्कोर था, गेट का जो रिजल्ट था वो 2 साल तक वैलिड था, अब जो है गेट का स्कोर जो है वो 3 साल तक वैलिड कर दिया गया है।
थ्री ईयर्स की इसकी वैलिडिटी कर दी गई है। ऑब्वियस ही बात है, अगर थ्री ईयर्स की वैलिडिटी नहीं करती तो बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को गेट देने का फायदा ही क्या था, कोई फायदा नहीं था। क्यों? क्योंकि तीन साल उन्हें लग जाते एमएससी कंप्लीट करने तक। अब उन्होंने जो तीन साल पहले गेट का जो स्कोर किया है, जो गेट क्लियर किया है, ना तो उसके बेस के ऊपर अगर वो पीएचडी में एडमिशन ले पाते, ना ही किसी कंपनी में ज्वाइन कर पाते, तो फायदा क्या था। इसीलिए गेट ने क्या किया, अब की बार अपनी जो डिग्री की जो वैलिडिटी है वो क्या कर दी है, तीन साल कर दी है। इसके अलावा एक चेंज और क्या है, अब की बार पहले तो हमारे पास क्या था, एक स्टूडेंट जिस फील्ड में है, मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, मैं केमिस्ट्री का ही फॉर्म फिल कर सकता हूं, लेकिन अब की बार एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट जो है वो केमिस्ट्री के अलावा भी और कोई फॉर्म फिल कर सकते हैं, जैसे कि लाइफ साइंस। मैं अब लाइफ साइंस का फॉर्म भी फिल कर सकता हूं, मैं लाइफ साइंस के फॉर्म में भी गेट का एग्जाम दे सकता हूं केमिस्ट्री के साथ साथ, यानी कि अब की बार मैं एक से ज्यादा सब्जेक्ट में गेट का एग्जाम दे सकता हूं। वो इस बेस के ऊपर है कि अलग अलग मेरे दिन जो है वो गेट के एग्जाम के लिए कंडक्ट हो जाएंगे। तो ये थी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो कि हमारे पास गेट में हमें मिली है, गेट के इंफॉर्मेशन ब्रोचर से हमें मिली है। कोई भी डाउट आपको रहता है तो उसका लिंक जो है, इंफॉर्मेशन ब्रोचर जो है उसका लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना रहे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी कि मैं क्या बताना जा रहा हूं एंड इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उस चीज को लेके भी आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।